दोस्तों, तो मैं आई थी वशिष्ठ मंदिर, आते ही सोच लिया कि चलो एक वीडियो बनाते हैं और पीपल हु डोंट बिलोंग फ्रॉम असम उन लोग को थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि क्या है वशिष्ठ मंदिर, कितने पुराने हैं और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, बहुत साल पहले मतलब कि वैदिक युग में वशिष्ठ मुनि आए थे इधर मेडिटेशन करने के लिए, अपना मतलब जो भी है भगवान के लिए पूजा पाठ वगैरह करने के लिए इधर आए थे वो, और इधर ही इन्होंने अपना आश्रम बना लिया था। इधर मतलब गुफाएँ थे पहले, और बाद में हमारा जो असम के मतलब अहोम किंग थे वो भी बहुत मतलब पहले की बात है, 17 मतलब सेंचुरी की बात है, तभी राजेश्वर सिंहा ने इधर मंदिर बनाया था, ये जो मंदिर वगैरह है तो उन्होंने बनाया था। बाकी की गुफाएं वगैरह वशिष्ठ मुनि द्वारा बनाया गया हुआ था, और इस मंदिर के बीचों बीच में एक झरना बहते हैं। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और इस कि पानी में नहाते हैं, इसका पानी भी घर लेके जाते हैं। और इधर ना आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेगा, बहुत सारे बंदर, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है पूरा की पूरा। और ये मंदिर ना वैसे मतलब स्पेशली महादेव के मंदिर है, इधर आपको एकदम अंदर महादेव का मतलब दर्शन करने को मिलेगा। इधर ना इस मंदिर पे हमारे असम के बहुत सारे लोगों की मतलब विवाह भी होते हैं, शादियाँ वगैरह भी किया जाता है, और बहुत सारे मतलब रीति नीति से पूजा वगैरह बहुत सारा बहुत कुछ किया जाता है। वैसे मुझे इतना पर जितना है उसके आधार पे मैं बोल रही हूँ, बाकी अगर आपको ब्रीफ में मतलब एकदम बहुत सारा नॉलेज चाहिए तो इस मंदिर के जो पंडित वगैरह है पुराने, आप उन लोग को पूछ लीजिएगा, वो लोग अच्छे से बता देंगे आपको, एकदम बहुत मतलब बड़ा इतिहास बता देंगे। यहाँ की जो डेली पंडित वगैरह है ना वो पास में ही रहते हैं, और ये सब जो छोटे छोटे मकान देख रहे हो ना आप लोग, इधर ही मतलब वो लोग रहते हैं। हमने पूछा उन लोग को, बोले कि वो इधर ही रहते हैं, इधर ही खाना पीना सब कुछ उन लोग का इधर ही होते हैं, और स्नान वगैरह तो इधर मंदिर में जो झरना बहते हैं वही हो जाते हैं उन लोग का। ये वाहन देख के तो आप लोग को अंदाजा होएगा मैं किस मंदिर में आई हूँ। हाँ, ये वशिष्ठ आश्रम में ही मतलब गणेश जी का भी मंदिर है, मतलब महादेव का भी मंदिर है, गणेश जी का भी मंदिर है, दोनों का मंदिर मतलब आजू बाजू है सामने ही। और इधर आके गणेश जी का दर्शन नहीं किया तो क्या किया ऐसे ना, इधर गणेश जी का मूर्ति नहीं मिलेगा आपको, ये बड़ा सा पत्थर है, इसका महत्व बहुत बड़ा है, इसका इतिहास भी बहुत बड़ा है, लेकिन अभी मैं सब कुछ इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको आना पड़ेगा, दर्शन करिए आप लोग, दर्शन करके इसका महत्व समझिए। उसी दिन क्या था, हमारे गांव में ये शंकर उत्सव बोलते हैं बाजू में, तो ये शंकर उत्सव में क्या करते हैं, जो हमारा कीर्तन है जो नाम कुखा बोलते हैं हमारे असम में, और ये सभी लोग के मतलब आंगनों में से होके गुजरते हैं और सब लोग इसका आशीर्वाद लेते हैं। आप A few moments later. उसी दिन दोस्तों, मंदिर से आने के एक दो घंटे बाद ही हम निकले शादी के इनविटेशन देने के लिए, और शादी किसका है किसी किसी को तो पता है, और जिसको नहीं पता मैं बोल देती हूँ, मेरी ननन की शादी है। हम लोग निकले थे इनविटेशन देने के लिए, और इसी बीच मेरे पास की आंटी को तलाब लगी थी मेरे हाथ के पकौड़े खाने के लिए, तो हम गए उनके घर में, मैं बनाई और उन्होंने थोड़ा हेल्प किया चाय वगैरह बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा बना के खा के। ये प्यार ना ऐसे ही रहे, किसी की नज़र ना लगे, बहुत अच्छा लगता है इनके घर में आके ऐसा प्यार। और ये सासू माँ दे रही है इनविटेशन कार्ड, मैं जब बोली कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो दोनों शर्मा गए, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लगा दिन हमारा। नेक्स्ट डे उनके घर में हमें खाने के लिए इनविटेशन भी मिला था। हाय दादा, की बनाए से अजी? नॉर्मल तो अभी पोर्टी चिकन बनाई से अपना हाथों टेस्टी चिकन खा पा मालूम माने कलर तो घी से गुंध तो धुनिया ऊल से इतना खुआर कथा इतना खुआर कथा बैद खुरी सब दोस्तों, ये हमारा एसमिस लैंग्वेज था। अरे इधर ना ब्राइड टू बी को ऐसे खाने पे बुलाते हैं, और ये हमारा एक रिचुअल है, रीति नीति है। और दोस्तों, ये लक्ष्मी पूजा के एक वीडियो थे, मैं सोची कि एक साथ मतलब ऐड कर देते हैं, आप लोग को थोड़ा दिखा देती हूँ। ये जो है एक कटोरी में ये नारियल का पानी है, लक्ष्मी पूजा के दिन हम पूर्णिमा वो मतलब जो चंद्रमा होते हैं ना, चंद्रमा को देख के मतलब आँखों में पानी देते हैं। पूजा के दिन हमारे असम में तो धान की पूजा करते ही है, साथ में पूजा के स्थल में एक पान एक सुपारी ये सब देते हैं। हमारे इधर असम में तामूल बोलते हैं, खत रखते हैं जिसमें हल्दी देते हैं, आम के पत्ते देते हैं, चावल देते हैं, फिर कुमकुम का तिलक लगाते हैं, ये पानी है जिसमें तुलसी वगैरह ये सब कुछ देते हैं, सावल। तो इसी तरह से
हमारी मतलब असम में पूजा की जाती है। ये ना जो कटोरी देख रहे हो ना आप लोग, ये बैम्बो ट्री होते हैं ना उससे बनाया हुआ है, और इधर ही हमारे असम के लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, शनि के प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें नारियल वगैरह फल वगैरह सब कुछ देते हैं। हमारे असम में ना लक्ष्मी पूजा दीपावली के टाइम नहीं बनाते हैं, वो एक्स्ट्रा से ये शारद पूर्णिमा के टाइम बनाते हैं। हर एक जगह के महत्व अलग अलग, पूजा रीति नीति अलग हमारे इधर की है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना भूलिएगा मत। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो।